आदमखोर भेड़ियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कुलैला गांव के पास देखे गए दोनों भेड़िए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई है, वन विभाग की टीम ने घेराबंदी की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुलैला गांव के पास लगातार नजर रखी जा रही है इन दोनों भेड़ियों पर। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की जा रही है। अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं आदमखोर भेड़िए। वन विभाग की टीम इन पर लगातार नजर बनाए हुए है, घेराबंदी की गई है। वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस खूंखार भेड़िए की एक लंबे समय से तलाश की जा रही थी, उन दोनों भेड़ियों की लोकेशन एक बार फिर मिल गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कुलैला गांव के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं जहां अब से कुछ देर पहले दोनों आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में ट्रेस किए गए हैं। जो ड्रोन कैमरा था उससे दोनों भेड़िए इधर आते हुए दिखे हैं, इन खेतों में गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किधर से ये भेड़िए गायब हुए हैं। जैसे ही ड्रोन कैमरे को नीचे किया गया, वैसे ही ये जो भेड़िए थे ये यहां से निकलकर इसी खेत से होकर आप देखेंगे तो हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो उनके पगमार्क्स भी यहां पर दिखा सकते हैं। ये पगमार्क है जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी रास्ते जो है वो दोनों भेड़िए अंदर इंटर हुए हैं, जिसके बाद इसी खेत से उनकी लोकेशन जो है वो बाद में गायब हुई है। दरअसल लगातार ड्रोन कैमरों के नजर में रहने के चलते अब वो ड्रोन को भी देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ड्रोन कैमरे में ट्रेस होने के बाद वन विभाग की टीम ने चारों तरफ से इन दोनों भेड़ियों को यहां पर घेरा है और वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन गन्नों के खेत में, इन मक्के के खेत में छिपे भेड़ियों को पकड़ा जाए ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं कि यही वो कारण है जिनके चलते भेड़ियों को एक शेल्टर मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फसल है, चाहे वो गन्ने की हो चाहे मक्के की हो, जिसका फायदा उठाकर वो गांव से बाहर आते हैं, इनमें छिपते हैं और फिर वो देर शाम अटैक करते हैं। बीते 48 घंटे से भेड़ियों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ड्रोन कैमरे में दोनों भेड़िए देखे जाने के बाद पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सका है। ऐसे में यही है कि लगातार इन भेड़ियों को ट्रैक किया जाए, क्योंकि अब इनकी लोकेशन मिल चुकी है तो चारों तरफ से जो वन विभाग की टीम है वो इनको घेर चुकी है। कोशिश यही की जा रही कि आज देर शाम तक इन भेड़ियों को हर हाल में पकड़ा जाए, लेकिन देखना यह होगा कि इन घने जंगलों में, इन खेतों में छिपे इन भेड़ियों को क्या आज भी वन विभाग पकड़ने में सफल हो पाता है या फिर अभी वन विभाग को और कड़ी मशक्कत करनी होगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। तो इस ऑपरेशन भेड़िया में देखिए न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको बता देते हैं कि बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। कुकेला गांव में भेड़िए होने की खबर के बाद अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, देखिए रिपोर्ट में। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त सभी जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ बहराइच मौजूद हैं। मैडम, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अब तक क्या फीडबैक है, क्या इनपुट? देखिए, आज लोकेट हुए थे दोनों और उनको घेरने का प्रयास किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो निकल गए। लेकिन अभी भी हम लोग थर्मल ड्रोन से उन पर निगरानी रखे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है यदि लक ने हमारा साथ दिया तो आज शाम तक हम लोग डेफिनेटली उन लोगों को पकड़ लेंगे। लगातार सर प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है कितनी टीमें लगाई गई हैं और क्या? देखिए, हमारी कम से कम 12 टीमें लगी हुई हैं, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं और पूरी टीम जो है ट्रैक कर रही है। थर्मल ड्रोन जैसे जैसे बता रहा है उसका डायरेक्शन, हमारी टीमें भी उस तरह से मूव कर रही हैं, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे घेरे में आ गया तो हम लोग उसको ट्रैंकलाइज करके कैप्चर कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ डीएफओ साहब भी मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं। सर, क्या इनपुट है, कब तक उम्मीद है? अभी जैसे आपने देखा, हमारी चीफ मैम ने बताया कि शाम तक हम पकड़ लेंगे, तो उनके विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि वन विभाग के जो बड़े ऑफिसर हैं वो इस वक्त लगातार फील्ड में हैं और जो आप ये एरिया देख रहे हैं जहां पर इस वक्त वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है, यहीं
पर कुछ दूर पर जो आदमखोर भेड़िए हैं वो ट्रैक किए गए हैं ड्रोन के जरिए अब से कुछ देर पहले, जिसके चलते ही ये पूरी टीम जो है यहाँ पर कैंप कर रही है, जिसकी सूचना पर खुद वन विभाग के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश ये की जा रही कि हर हाल में आज शाम तक इन आदमखोर भेड़ियों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए ताकि इस पूरे इलाके को दहशत से मुक्त किया जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि वन विभाग की टीम इस ऑपरेशन में इन्हें पकड़ने में कितना सफल होती है। कैमरामैन गोपी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो बहराइच से लेकर सीतापुर तक भेड़िए की दहशत है। ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी है आपको कि आखिर ये भेड़िए आदमखोर बन कैसे जाते हैं, कैसे जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचकर हमला करते हैं। एक्सपर्ट से समझिए आदमखोर भेड़िए से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भेड़ियों का आतंक जिससे लोगों को वहां पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके साथ साथ फॉरेस्ट की टीम वहां पर लगी हुई है, लेकिन चुनौती बना हुआ है कि किस तरीके से भेड़ियों के आतंक से निजात मिलेगी। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान के डॉक्टर बिलाल हबीब है, उनसे जानते हैं कि इस मुश्किल से आखिर कैसे बचा जाएगा, क्यों इस तरह भेड़ियों का जो बिहेवियर है, ऐसी स्थितियां क्यों वहां पर बनी है। सर, स्वागत आपका न्यूज 18 जी। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये जो बहराइच की स्थितियां अभी है इसको आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं? इसको मतलब ये है कि कभी कभी वुल्फ का जो पैक है उन्होंने ये सीखा है कि कैसे इजीली वो बच्चों को वहां पे उठा पाएंगे। तो ये जो परिस्थिति बनती है, ये जो सिचुएशन बन जाता है, ये वहां बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है। ये बरसात का मौसम है, घरों के बाहर ग्रास लंबी रहती है जिसकी वजह से वो घरों के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, और जब वो घरों के करीब पहुंच जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि ऐसे कौन चीज़ है इस घर में जिसको हम उठा के बाग लेके जा सकते हैं। तो वो क्या है? वो बच्चा ही है। सो 8 साल, 6 साल, 7 साल के जितने भी बच्चे होंगे तो ये है। तो उससे बचने के लिए ये बहुत कठिन है। जब तक ना जो ये भेड़िया है ग्रुप में रहता है, सोशल कार्निवोर होता है, ग्रुप में हंटिंग करता है, मिलजुल के हंटिंग करते हैं, तो जब तक ना उस पूरे पैक को, उस पूरे ग्रुप को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये मुश्किल है कि वो जो सिचुएशन है वो वहां पे रुक जाएगी। तो सबसे बेहतर ये है कि उस सिचुएशन से बढ़ने के लिए हमें दो तरह के प्रयास करना है। एक ये करना है कि हम अपने गांव वाले जो वहां पे लोग रहते हैं उनको कैसे बचाए। तो उनको कैसे बचाया जाएगा, उनको थोड़ा केयरफुल रहना है, अपने घरों के आसपास 100-200 किलोमीटर तक जितना भी जाड़ी है उसको साफ करिए, घरों में लाइट हो, बच्चों को अनअटेंडेड न छोड़े, और अगर वो रात को सोते हैं कोशिश करें कि घरों के अंदर ही सोए, घरों के बाहर न सो जाए, तो जिससे प्रोबेबिलिटी यह है कि जब वो बच्चों पे अटैक करेगा वो कम होगा। और दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ से जो लोग पकड़े, क्योंकि भेड़िया बहुत चालाक होता है, बहुत चतुर होता है, तो उसको पकड़ने के लिए भी बहुत अलग तरह के प्रयास करने चाहिए। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा किया है, 2-4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया है, बट उनको कंटिन्यू करना ही है, और वो एक थोड़ा सा पेशेंस का काम है। बिकॉज एक चालाक जानवर को पकड़ने के लिए एक स्किल भी चाहिए और एक पेशेंस भी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज गया और पकड़ के लाया, तो वो प्रयास उनको चालू रहना चाहिए। तो उसमें ज्यादातर लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो जिससे सबसे करते हैं उनको करना देना चाहिए, तभी ये बहुत जल्दी सफल हो सकता है। भेड़िए पहले भी रहते रहे होंगे और झुंड में ही रहते हैं, इनका एग्रेसिव होना और इस तरीके से अटैकिंग होने की वजह? भेड़िया हमेशा रहा है उस लैंडस्केप में। अगर आप देखेंगे करीबन 99 में, 2001 में उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर वाले एरिया में करीबन 70-80 बच्चे मारे गए थे। तो ये ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू होता है। ये कभी मान लीजिए वहां पे कोई भेड़िए का ग्रुप आया तो उन्होंने वो वहां बच्चे हुए, वो अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो पालने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनकी खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब उनकी खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो वो हमेशा प्रयास करते हैं कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो कमजोर, चाहे वो जानवर हो चाहे वो आदमी है, वो उसकी जद में बहुत जल्दी आ जाता है। तो एक बार अगर उसने किसी बच्चे को पकड़ लिया और उसको ये समझ में आएगा ये बहुत ईजी है, तो वो फिर कंटिन्यूटी में चला जाता है। तो एक बहुत बहुत चालाक जानवर है, बहुत बहुत जल्दी लर्निंग फेज है उसका, बहुत क्विक लर्निंग फेज है उसका, तो बहुत जल्दी सीख जाता है। और अगर वो एक बार सीख गया तो फिर उसको रोकना मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ करूंगा मैं उसको रोक लूंगा। तो उसका एक ही प्रयास है कि उस ये कोशिश करना है कि उनको जितना जल्दी पकड़ लें उतना अच्छा। मीटिंग सीजन का भी कुछ एक रीजन हो सकता है? मीटिंग सीजन का ये, अगर आप देखेंगे वहां जो दिख रहे हैं, वो जो 7-8 दिख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि 3-4 बच्चे हैं। बच्चे इन द सेंस, इनके बच्चे नॉर्मली दिसंबर जनवरी में पैदा होते हैं,
ठीक है, और फिर दिसंबर जनवरी से अभी आज अगस्त सितंबर आ गया, करीबन 8-9 महीने के बच्चे होंगे। तो जितने बच्चे बड़े हो जाएंगे उतने उनकी मीट पे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो ये जब ब्रीडिंग हो जाएगा, बच्चे होंगे, तो पहले 3 महीने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट कम है, बच्चे दूध पे डिपेंड करते हैं उस टाइम, तो उस टाइम नहीं है। सो जब बच्चे बड़े होंगे, और आप इमेजिन कर दीजिए जब माँ के पास 4 बच्चे हैं, पहले वो दूध पीते हैं तो कुछ नहीं है, और जब वो खाना खाना शुरू करेंगे, मीट खाना शुरू करेंगे, तो शिकार की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी।